नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। अच्छा मुझे बताइए, आप में से किस किस ने रिच डैड पुअर डैड की किताब पूरी पढ़ी है कम से कम एक बार अच्छे तरीके से? आपने नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा। पढ़ा है पूरा? वेरी गुड, आपने भी पढ़ा है पूरा। चलिए, जिस किसी ने भी पढ़ा होगा ना तो उसको बेसिक आइडिया मालूम हो गया होगा। अगर बहुत से लोग वीडियोज़ भी देख करके उसका एडजस्ट ले लेते हैं, रिच डैड का बेसिक आइडिया आपको है क्या पढ़ाता है? क्योंकि रिच डैड पुअर डैड जो बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, अमीर बनने की। लेकिन अगर आप पूरी तरह से रिच डैड पुअर डैड को आंख बंद करके भक्तिवादी की तरह उसकी पूंछ पकड़ के चलेंगे तो अमीर बन नहीं पाएंगे। खुद जो रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे उस बुक को लिखने के बाद भी। कुछ बेसिक चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो बहुत सही है, लेकिन कोई भी चीज़ जो हम पढ़ते हैं उसको आंख बंद करके नहीं फॉलो करना है, उसको समझना है, उसके प्रिंसिपल्स को समझना है और अपनी लाइफ के हिसाब से उसको इवॉल्व करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बातों को सुन सुन के कहीं पर कुछ जान करके उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं आधी अधूरी जानकारी के बाद। और खाली लोग नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसको करना शुरू कर देती हैं अपने गेसेस पर, अपने हंच फीलिंग पर लोग बड़े बड़े रिस्क लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा घाटा होता है। बेसिक जो आइडिया है रिच डैड पुअर डैड का, मैं आपको एक दो मिनट में समझा दूँ। वो कहते हैं कि कोई भी आदमी जब तक कोई बिजनेस नहीं करेगा तब तक वो अमीर नहीं होगा। और रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं जो लोग नौकरी करते हैं वो ज़िंदगी भर नौकरी रहते हैं, कि वो हर महीने सैलरी पाते हैं, सैलरी पा करके वो अपना उनका एक चार कॉलम बताते हैं रिच डैड पुअर डैड में। एक होता है इनकम कॉलम, एक होता है एक्सपेंस कॉलम, इनकम मतलब आपकी जो सैलरी आई, एक्सपेंस मतलब जो आपने खर्चा किया। एक होता है एसेट कॉलम, मतलब जिसमें आपका ढेर सारा जो आपकी पूंजी इकट्ठी हो रही है, और एक होता है लायबिलिटी कॉलम, जिसमें आपके ढेर सारे उधार इकट्ठे हो रहे हैं, जो भी आपने किसी से मांगा हो, बैंक से लोन लिया हो। तो आम तौर पे बोलते हैं जो लोग भी आम लोग होते हैं जिनको बहुत जानकारी नहीं होती फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में, वो लोग अपने इनकम के बारे में सोचते हैं कि कैसे मैं 5,000 से 10,000 कमा सकूं, 10 से 25,000, 25 से 1,00,000, 1,00,000 से 2,00,000 कमा सकूं। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही आपका इनकम का टैक्स भी बढ़ जाता है, इसलिए उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, उसको एसेट टैक्स नहीं बोलते। तो अगर आपने खाली 10,000 रुपये कमाया तो उसमें बहुत कम टैक्स लगता है, ऑलमोस्ट शायद जीरो टैक्स लगता है। इंडिया में तो 10,000 रुपये टैक्स नहीं लगता अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं, आप टैक्सेबल इनकम के नीचे आ रहे हैं। और अगर वहीं पर फिर 10% स्लैब, फिर 20% स्लैब, फिर 30% स्लैब, इंडिया में तो 30% स्लैब तक आपका इनकम टैक्स जाएगा। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप चोर हैं। तो आप लोग चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। कनाडा वगैरह में जहाँ पर कुछ लोग मुझे बताते हैं वहाँ पर 50% तक टैक्स देना पड़ता है, आधी कमाई आपकी टैक्स में चली गई। तो रॉबर्ट कियोसाकी समझाते हैं कि आपको एसेट कॉलम पे ध्यान देना चाहिए। एसेट कॉलम मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसके ऊपर टैक्स बहुत कम लगता है या तो ऑलमोस्ट टैक्स आप जीरो कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वही लोग इस तरह के रूल्स बनाते हैं कि किस पर टैक्स लगेगा, किस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर वो ये कहते हैं कि आपको कुछ भी करके अपने इनकम कॉलम पे कम फोकस करिए, एसेट कॉलम पे फोकस करिए। और फिर एग्जांपल देते हैं कि आपका जो घर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में लोग होते हैं, उससे आप लोग भी आएंगे अभी कुछ सालों में, आप भी उसमें फंसेंगे। वो एकदम लोगों ने प्लान करके आपके सामने, वो नहीं होता लैंड माइन जो होती हैं, लैंड माइन समझते हैं, कोई जानवर को फंसाना हो तो आदमी फंसाने के लिए कब्जे रखता है, ऐसे आपके लिए रखे हैं वहाँ पर। आज से कुछ साल बाद फ्यूचर में आपको फंसाने के लोग इस तरह की एग्जांपल्स रखेंगे, तो आप मत फंसेगा। मैं बच गया लकीली, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप उस में से बच सकें। तो वो कहते हैं कि आपको ये मत मानिएगा कि आपका जो घर खरीदेंगे आप वो एसेट होगा, वो लायबिलिटी है। क्योंकि उनका बहुत ये चीज़ तो बहुत अच्छा किया रॉबर्ट कियोसाकी ने, एसेट और लायबिलिटी का डेफिनेशन एकदम क्लियर कर दिया। वो कहते थे कि जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा लाए वो एसेट है, जो चीज़ आपकी जेब से पैसा ले जाए वो लायबिलिटी है। अब अगर एक आदमी ने घर बनवा लिया, 50,00,000 रुपये का घर बना लिया, लेकिन लोन लेकर घर बनाया तो उसको हर महीने लोन का पैसा देना पड़ रहा है, तो क्या है, एसेट नहीं है, लायबिलिटी। आमतौर पर सब लोग यही मानते हैं कि अगर एक बार घर बन गया तो आपका ये एसेट है। समझ में आ रहा है कुछ? एसेट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको इनकम में आती जाएगी बिना किसी काम के। आपने मान लीजिए, फिर वो ये बताते हैं कि आप लोन लेकर अपना घर मत बनाओ, सबसे पहले किराए का घर बनाओ, या तो दुकान खरीदो और दुकान को लोन पे दे दो, दुकान को किराए पर दे दो, तो जो हर महीने आपका किराया आएगा वो आपका एसेट हो जाएगा। बिकॉज एसेट क्या है, जो आपकी जेब में पैसा लेकर आए। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, इस कन्फ्यूजन का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है यार,
हम अपना घर नहीं बनाएंगे, हम एक किराए का घर या लोन का घर लोन लेकर के किराए के लिए मकान बनाएंगे या तो दुकान बनाएंगे और उसको हम उससे हम कमाएंगे, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला अमीर बनने के लिए। लेकिन जब लोन लेते हैं और जब घर बनता है या आपका फ्लैट जो भी खरीदते हैं उसमें से कितना किराया आएगा इसका बहुत क्लियर नहीं है। उसी घर का, उसी 40 लाख के घर का हो सकता है आपको 5,000 किराया मिले, हो सकता है 10,000 मिले, और हो सकता है आपको जो किराया मिल रहा है और साल में जो उसको मेंटेनेंस का पैसा जाएगा और भी जो चीज़ें खर्चे आते हैं घर में, वाटर टैक्स और जो भी ढेर सारे खर्चे आते हैं, हो सकता है उसको सब मिला जुला करके आपको कुछ पैसा बचे ही नहीं। इस तरह की बहुत से एग्जांपल्स आते हैं। यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि यंग आदमी 30-35 साल का आदमी बोलता है मैंने तो अपने कॉन्डोज बना लिए हैं, ऐसे 8-10 कॉन्डोज बना लिए हैं, मतलब 8-10 किराए के मकान, और उसको मेरे किराए आते रहते आराम से। लेकिन ये चीज़ इतना आराम से नहीं आता। जैसे ही आपने एक घर बनाने का सोचा, एक घर मतलब बहुत बड़ा लायबिलिटी जब तक आपका घर बनेगा। तो एक तो ये पार्ट है कि जब भी आपको घर लेना हो ये मत सोचिएगा कि इतना आसान है कि मैं 20 लाख रुपए का लोन ले लूँ। और 20 लाख का लोन क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आपने आपके पास सैलरी है, अदरवाइज लोन भी नहीं मिलती आपको। मन में बड़ा मन होता है कि हम जल्दी कुछ कमाएं और जल्दी अमीर बने, और यही रॉबर्ट कियोसाकी, बिल गेट्स और APJ कलाम जैसे लोगों का नाम यूज़ करके लोग MLM जैसी कंपनीज जो होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो बोलते हैं कि ये लोग कहते थे, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि हम ऐसा बिजनेस करेंगे, इसमें तो कुछ पैसा लगाना ही नहीं है, बस पैसे ही पैसे कमाने हैं, फ्री में पैसा आएगा। एक चीज़ मेरी समझ से नहीं एक्सपीरियंस से ये समझ में आया है, कोई भी पैसा फ्री में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और उसका लाइव एग्जाम्पल आपको मैं दिखा सकता हूँ। लखीमपुर में ही जितने भी राजा लोग हैं, जितने भी किंग्स हैं यहाँ पे पुराने ज़माने के, आज भी उनके पास एकड़ों ज़मीन है, लेकिन उनको जाकर फिजिकली वहाँ पर कुछ तो काम करना पड़ता है, और धीमे धीमे जिन ज़मीनों पे वो नहीं जा पाते, देखभाल नहीं कर पाते, वो ज़मीनें उनकी हड़प ली जाती हैं, हड़प ली गई हैं ऑलरेडी। आप थी देखिए, आपने कोई खेत हो उसमें आप नहीं जा पाए 2-3 साल तक, तो बगल वाला किसान थोड़ा थोड़ा करके हड़प ले जाएगा। तो अमीर बनना के लिए ना कुछ चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस से समझ में आया हो मैं बताना चाहता हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी को सुनने के बाद और रॉबर्ट कियोसाकी से बचने के बाद, MLM जो मुझे समझा रहे थे उनको सुनने के बाद और उनसे बचने के बाद। जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं आप उसको सुनिएगा और उससे बचिएगा, बिकॉज कोई भी चीज़, साइकिल जब आप खरीद लेंगे तो अपनी स्टाइल से चलाएंगे, अगर आप उस पर नहीं बैठ पा रहे तो कैंची चलाएंगे, कैंची जानते हैं ना। हाँ, एक चीज़ बहुत ही क्लियर समझ रखिएगा, अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरी का डेफिनेशन बहुत क्लियर करिएगा। अमेरिका डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके पास कौन सी कार है, आप कौन से ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, ये सब अमीरी डिफाइन नहीं करता है। अमेरिका बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है कि अगर आप आज नौकरी छोड़ दें तो कितने साल तक आप आराम से घर पर बैठ कर खा सकते हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है, या आप जो भी इनकम आपकी आ रही है बिना काम के, वो आपको कितने साल तक खाना खिला सकती है, आपको और आपके परिवार को। छोटा सा मतलब इसका कैलकुलेशन यही है कि अगर आपके महीने का खर्चा 20,000 रुपये है और आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो कितने दिन तक आप खा सकते हैं? 20,000 इंटू साल का कितना हो गया, 6 लाख, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के करीब चल जाएगा। उसमें भी थोड़ा ट्रिक्स हैं, किसी महीने का खर्चा ज़्यादा होगा, किसी महीने कम होगा, मकान का किराया देना पड़ेगा, तो और भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको सिस्टम 2 से सोचनी पड़ेगी, सिस्टम 1 से नहीं सोच सकते आप। जानते हैं सिस्टम 1 सिस्टम 2? अच्छा, और उसके बाद ये जो एक तो आपको क्लियर करना होगा कि आपकी नेटवर्थ क्या है। अगर ये नहीं क्लियर करेंगे तो गए फंसे। और इसका ऐसा नहीं, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो फेल होती रहती हैं, वो अपने बारे में यही सोचते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूँ, अमीर बन रहा हूँ, अमीर बन रहा हूँ, लेकिन वो खत्म हो जाती है। तो अमीर बनने का एक और एक सूत्र जो मुझे समझ में आया है, वो आपको शायद मैंने पहले बताया भी होगा, कमाइए, सैलरी आप कमाइए, एसेट भी बनाइए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए। क्या चीज़? मुझे एक बहुत अमीर आदमी ने बताया था, जो मेरे अपने खुद के मेंटर हैं, राजू वेंकट रमन, उनसे मैं जब भी फ़ोन करके बात करता हूँ तो मुझे जब भी वो बात करते हैं तो ये वर्ड बार बार डालते हैं। मैं उनसे अब तक करीब 10 या 15 बार बात कर चुका हूँ पिछले 10 सालों में, उनसे 6 सालों में, और ये वर्ड उन्होंने बार बार डाला है, आशीष रिमेंबर दिस। ये एक वर्ड मैं आपको चाहता हूँ अपने दिमाग में आप फीड कर लीजिए,
उन्होंने कहा डोंट हैव ओवरहेड्स, हैव मिनिमम ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब ऊपरी खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे जो आप इसलिए करते हैं कि क्योंकि आपको फ्यूचर में कमाई आने वाली है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे एक कजिन हैं, उन्होंने अभी इलाहाबाद में एक ऑटो रिक्शा का शोरूम खोला है और मेरे पिताजी बता रहे थे बहुत कमाना, बहुत ही कमा रहा है वो। मैंने उसको पूछा कि कमाई क्या है, बोलते आ रहा है मतलब 1.5-2 लाख रुपए तो महीने का आ ही जाता है। और मैंने पूछा खर्चा क्या क्या है, तो उन्होंने बताया कि महीने का करीब 50,000 फिक्स्ड खर्चा तो उनका रेंट का है, और जो स्टाफ हैं उनका मिला जुला करके करीब 50,000-60,000 रुपये और बिजली और जो सैलरी वैलरी देते हैं वो सब करके, तो उनका 1-1.25 लाख तक का महीने का खर्चा है और बोल रहे 2-2.5 लाख रुपये तक मेरी इनकम है, तो उनकी बचत क्या है वही 1.5 लाख रुपये। लेकिन जो जो दुकान ली है और जो रेंट है वो क्या है, ओवरहेड है, और जो एम्प्लॉई रखे हैं वो क्या है, ओवरहेड है। और ये ओवरहेड आपका कभी कम ज़्यादा नहीं होगा, ये फिक्स्ड रहेगा। अगर आपने कम की सैलरी किसी अपने एम्प्लॉय की 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, वो आपको बाय बाय करके चला जाएगा क्योंकि उसके भी खर्चे हैं। तो अगर आप सीरियसली अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं तो ये इमेजिन मत करिए कि मैं लोन ले लूँगा, मकान बना दूंगा और उसमें से हर महीने किराया आएगा उड़ते 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 ऐसे ऐसे ऐसे, और मेरा और चूंकि हर महीने 10-15 हज़ार रुपये यहाँ से आएगा, 10-15 हज़ार वहाँ से आएगा, 20,000 रुपये आएगा, तो 20,000 के मैं ओवरहेड्स ले लूँ। 20,000 रुपये आ रहा है मेरे पास, तो एक काम करता हूँ 10,000 रुपये का एक असिस्टेंट रख लेता हूँ या एक दुकान ले लूँ किराए पर। ये मैंने करके देखा था, लखीमपुर में किया था हम लोगों ने, वहाँ किया था ना एक किराए का घर लिया था जिसमें कि हमने सेंटर वेंटर खोला था, उसके बाद 6-7 महीने बाद उसको बंद कर दिया बिकॉज हम लोग कोई रेवेन्यू प्रोड्यूस नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपके पास ओवरहेड नहीं है तो क्या होता है, तो आपका जो भी इनकम आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बिकॉज नीचे कुछ आपने जीरो रखा है। इसलिए मैं सारे जो भी काम कर रहा हूँ घर से ही कर रहा हूँ, किराए का जीरो कर दिया है मैंने। ओवरहेड ओवरहेड ओवरहेड, जितनी बार भी मैंने राजू से बात किया उसने यही कहा है, बिजनेस जो भी करो आशीष बट ओवरहेड्स मिनिमम रखो। और एक आपको कमाल की बात बताऊँ, राजू वेंकटरमन जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके एम्प्लॉयज़ करीब 2,500 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अभी एक नया स्टार्टअप चालू किया है अपनी बेटी के लिए, और उनका जो वो स्टार्टअप है ऑनलाइन स्टार्टअप ही है, उसको कहीं बाहर नहीं खोला है ऑफिस, अपने घर से चला रहे हो। क्यों? ओवरहेड कम रखने। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज चलती हैं फेसबुक और व्हाट्सएप और बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं थोड़ा गिनिएगा कभी, ये ओवरहेड कम है। ये चीज़ अगर आप सबसे ऊपर रखिए अपनी प्रायोरिटी में, बिकॉज जैसे ही आप लोन लेंगे 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको लगेगा आप तो अमीर आदमी, और फिर आप महीने के फिक्स खर्चे बांध लेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी का पढ़ने के बाद मुझे ये लगा था, और मैंने इसमें फंसा भी हूँ, मैंने अपने ढेर सारे ओवरहेड्स बढ़ा करके बिजनेस खड़ा कर दिया, किराए का मकान ले लिया, 2-3 एम्प्लॉयज रख लिए और घुस गए। ये जो आपकी सैलरी है तो इनकम जो आती है वो वेरिएबल होती है, लेकिन जो आपके ओवरहेड्स कर लेते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होता है और वो बढ़ते ही जाता है। ये चीज़ अगर आप, ये मैं कन्फ्यूज था बहुत टाइम तक कि मैं धक्का खा खा के एंटी फ्रेजाइल को समझ समझ करके मुझे मालूम पड़ा कि ओवरहेड से बचना है। ओवरहेड्स में सब कुछ आता है, रेंटेड फ्लैट, रेंटेड हाउस, लोन्स, आपने अगर एक लोन लिया दूसरा लोन लिया तो वो भी ओवरहेड हो जाता है, फिर आपकी सेविंग इकट्ठा होती। तो सबसे पहले आपको ओवरहेड से बचना है, यही मुझे आज बताना था जो बिल गेट्स, और क्योंकि हर आदमी आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है, बोलता बिल गेट्स बोल रहे हैं एमएलएम करो, रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं एमएलएम करो और लोन लेकर काम करो, मतलब इतना ज़्यादा आपको पीछे पड़ जाएंगे जैसे आपको शर्म आने लगेगी, आपको लगेगा शायद मैं अनपढ़ गंवार हूँ। बट अब मुझे समझ में आया है कि शोर कितना भी हो आँख बंद करके चलना है अपने हिसाब से। नेटवर्थ मेरी कितनी है आज मैं आपको बताता हूँ, मेरी आज इतनी नेटवर्थ है, आज की आज हम लोग की अगर नौकरी चली जाए तो मैं रिम्पी और शीरीष आराम से अगले 10 साल तक खा सकते हैं, टेंशन नहीं है अगर नौकरी चली जाए तब भी। और काम क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, ओवरहेड नहीं है, बहुत कम ओवरहेड है।